फर्स्ट सॉन्ग में अवार्ड मिल रहा है तो इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूं, मैं बहुत ही खुश हूं इस चीज के। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आई थिंक वी गेटिंग एन अवार्ड फॉर द सॉन्ग, ये खुद ही बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए और हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। या ऑफ कोर्स इट्स अ बिग सक्सेस एंड वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी। सबका बहुत अच्छा एफर्ट्स और इनपुट था और लोगों ने इतना प्यार दिया है तो ऑफ कोर्स हम बहुत खुश हैं। आज हमें अवार्ड मिल रहा है, सो इट्स द फर्स्ट टाइम मुझे पता भी लग रहा है कि किसी गाने को भी ऐसे अवार्ड मिलता है। मैं पहली बार, हमेशा सिर्फ अपने इंडिविजुअली अवार्ड्स के लिए अटेंड करती थी फंक्शंस, लेकिन आज पहली बार यू नो एक टीम वर्क के लिए और एक पूरे गाने के लिए अटेंड कर रही हूं, वेरी हैप्पी। मेरा तो फर्स्ट सॉन्ग था ये, फर्स्ट सॉन्ग में अवार्ड मिल रहा है तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ के लिए और आगे भी ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड लेते रहेंगे। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, आई डोंट से कि वो बताता है कि यू नो एक एक्टर कितना वर्सेटाइल है और क्या क्या कर सकता है, बट आई थिंक ना वो मोटिवेट करता है यू नो, मतलब मुझे पर्सनली तो करता है क्योंकि जब अवार्ड मिलता है तो आपको एक ना मोटिवेशन मिलता है, ओ आई गॉट एन अवार्ड, नाउ आई डू बेटर, इससे बेटर, इससे बेटर। सो आई थिंक वो एक फैक्टर होता है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्टर उसी से उसको पता लगे कि उसको अवार्ड नहीं मिला तो वो अच्छा एक्टर नहीं है या फिर यू नो वो किसी से बेटर नहीं है या वो किसी से कम है, वो एक अवार्ड नहीं बताता, लेकिन हाँ ऑफकोर्स मोटिवेट करता है। आई थिंक हम सब ने इतनी मेहनत की है इस गाने को लेके एंड आई थिंक जब आप बहुत मेहनत करते हो, आप किसी चीज़ की तरफ इमोशनल होते हो, तो जब आपको उस चीज़ के लिए अवार्ड किया जाता है तो इट रियली गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। सो आई थिंक हम वो एक गुड फीलिंग सारे मिलके एंजॉय कर रहे हैं एंड वी वुड लाइक टू स्पेशली थैंक आवर एंटायर टीम यू नो हु इज़ बीन सपोर्टिंग अस फॉर दिस सॉन्ग एंड जन्नत डैड इज़ हियर, जुबेर जी, मैम, श्रुति, एवरीवन। सो ये इनके बिना गाना अधूरा था। या शॉ बिकॉज इस बार ये वाले सॉन्ग के अंदर मैं था। अयान का भी पहला सॉन्ग था गेस्ट ऑफ पेरेंट्स, अयान गेस्ट ऑफ पेरेंट्स, इट्स अ बिग थिंग। नाउ नेक्स्ट टाइम अयान विल गेट द फुल सॉन्ग, इज गोइंग टू डू फुल अपीयरेंस नाउ। इंशाल्लाह वी गोइंग टू बी डूइंग दिस फॉर श्योर, आप फिर से हम सबको साथ में देखेंगे एंड जस्ट गॉड ब्लेस अस, थैंक यू। देयर आर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, आई थिंक ये मंथ तो खत्म हो गया, फर्स्ट, थर्ड एंड आई विल गिव यू ऑल अपडेटेड, ऑफ कोर्स यू गाइस गेट टू नो एवरीथिंग बिफोर आई गेट टू नो द कंफर्मेशन, बट स्टिल ऑफ कोर्स अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी मैं उसको ओपन नहीं कर सकता। सपोर्ट करते रहिए आप लोग। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी, भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।